الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور پڑھو ہاں سبحان اللہ یار بڑے پریشان بیٹھے ہو کوئی گرمی نہیں اندر گرمی ہے کوئی گرمی تو ہے ہی نہیں اللہ پاک نے ایڈا پیارا موسم کر دیتا ہے پھر بھی تسی گھبراندے ہو اے جگہ بھائی پور کرو اگے آؤ شخص صاحب اگے تشریف لے آؤ اللہ تھوڑی عمر چ برکت فرمائے آ جاؤ ساتھی اے جگہ پور کرو بھائی اگے اگے ہو جاؤ اونج تے نہیں آنا چلو تھوڑا تھوڑا ریڑھ کے اگے ہو جاؤ باہر جڑے بیٹھے نے آ جاؤ بھائی اندر آؤ تھوڑا جہا ماحول اندر لا سین پھرے گا نا تو پھر ذرا بات کرن دا ذرا مزہ آئے گا ساتھی ذرا اندر تشریف لے آؤ آ جاؤ اللہ پاک تھوڑی گرمی قدرتی طور تے دور فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أكثروا ذكر آدم لذات الموت اس زندگی کے دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا گر چل رہی ہے تو یہ جہاں گر رک گئی تو وہ جہاں مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تھے اللہ والو اج دا اے عظیم الشان پروگرام محترم بھائی حافظ مولانا مطیع الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی پرخلوص محنت کوشش اور کاوش نے نال بڑی کامیابی نال جاری و ساری ہے دعا گو ہاں کہ اللہ پاک تمام انہاں دے دوست احباب اور انہاں دی جتنے بھی دوست نے انہاں دے ساتھ دیتا ہے اللہ سب دی محنت قبول فرمائے اور حضرت مولانا شیر پنجاب یوسف قصوری صاحب فضہ اللہ تعالی اور قائد پنجاب پیکر اخلاص محب العلماء خادم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب فضہ اللہ تعالی انہاں دی زیارت بھی نصیب ہو چکی کوشش کرن تے سٹیج تے لے کے آؤ بزرگاں انہاں دی موجودگی دے اندر گفتگو دا ذرا اور مزہ آئے گا ہر انسان اس دنیا تے کوئی بندہ سدا رہن واسطے نہیں آیا
हर एक इंसान दुनिया तो चला जाना है, आज नहीं तो कल मौत का पैगाम आ के रहेगा। बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े वजीर आए, बड़े बड़े नेक औलिया आए, अतकिया आए, सलफ़ सालहीन आए, अंबिया किराम आए, सब मौत का पैगाम आ के रहा। और ये मौत एक अटल हकीकत है जिन्हों तस्लीम करना पड़ेगा। हजरत जी वेखो, इंसान बड़ा भुलक्कड़ है, मेरी मेरी करदा पता ही नहीं चलता, एक दिन कब्र की ढेरी हो जाता। सानू ना एक धोखेबाजी, एक खमार है जी, मैं बड़ी देर जिंदा रहना है जी, मेरी बड़ी लंबी जिंदगी है, हालांकि एक सांस का भी पता नहीं कि कदों मौत का पैगाम आ जाना। इंसान सारी जिंदगी तो जो तलबात है भाई, तमहीदी कलिमात गौर करोगे तो इंशाल्लाह बात समझ आए। सारी जिंदगी इंसान मेहनत करता है कि मेरा लिबास सब तो आला हो जाए, मेरा नाम सब तो ऊंचा हो जाए। हजरत जी आखिर ते इहदा नाम मैयत ही रख दिता जाता है। सारी जिंदगी मेहनत करता है मेरा लिबास सब तो आला हो जाए, आखिर एदा लिबास वो कफन का एक टुकड़ा ही बन जाता है। सारी जिंदगी मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, मेरा मकान सोना होए, कोठी वठी होए, बंगला वड्डा होए, जी मैं संगे मरमर लगवाना है, जी मैं फलां पत्थर लगवाना है, फलां टाइल लगवानी है। हजरत जी आखिर एदा मकान वो एक कच्ची कब्र की ढेरी ते मट्टी का मकान बन जाता है। ऐ हकीकत है, इस हकीकत नूं अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर बेशुमार जगह ते बयान कीता है। आओ जरा अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िए। अल्लाह पाक ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फरमाया कायनात दे लोगो, हर एक चीज फना हो जाने वाली है, बाकी रहने वाली जात है अल्लाह पाक दी जात है, हर एक चीज फना हो जाएगी, दरिंदे परिंदे चरिंदे हिवानात नबातात सब कुछ फना हो जाएगा, बाकी रहने वाली जात है अल्लाह पाक दी जात है। अल्लाह पाक ने ना एक आयम मुबारक अंदर पूरी कायनात नक्शे खिंच के रख दिता हो, तो जो करे ना तो मेरा दिल करता मैं कुरान पढ़ पढ़ के तर्जमा कराओ, आज दी इस मजलस नो तर्जमा क्लास बना लिये, दराओ तफसीर दी क्लास बना लिये। अल्लाह जान दे बड़ी लज्जत दे कुरान ने पाक अंदर एक आयत अंदर न अल्लाह पाक ने पूरी कायनात दा नक्शा ही बयान कर दिता हो, इंसानियत दी सोच दा मियार बयान कर दिता है। फरमाया पिसू तीसरा सिपारा सूरत दा नाम सुने अली मराने, सिपारे दर को दसवां ते सूर दर को दूसरा है। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिन्नसाइ वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतराति मिन्नज़्ज़ाबि वल फ़िज़ाति वल खैलिल मुसव्वमति वल अन्आमि वल अर्ज़ ज़ालिका मताउल हयात दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह पाक दा कुरान है, ओ कुरान सुनन दिल करदा जे सुभान अल्लाह ते सोहनी पढ़ो ना, मैं अज पढ़ना ही कुरान है इंशाल्लाह, पढ़ो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने बदलो करम ना कुरान पाक ना माशाल्लाह मुफ्ती कफायतुल्लाह शाकर साहब जमात दी जिंद ते जान सने मसलक दी पहचान, और तुहाडे जिला सियालकोट तहसील पसरूर स्टेजां दी जीनत तशरीफ ले आए ने, तो जो करे आज दराओ। और मोहतरम जना सिद्दीकी साहब भी आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह, साडी जमात दे बुजुर्ग ना दखा नौ
बुजुर्ग नात अल्लाह जानता है मैं बुजुर्ग भला क्यों आखे ये बुजुर्ग ही ने साडी जमात दे नात का ओदी वजह है कि मैं उदो स्कूले पढ़ना हाँ अठवीं क्लास इन्हां नूं याद होवे कि ना याद होए जानियां मेतले चौक दे नाल मर्दीपुरा उदो भी उत्थे नात पढ़न वास्ते आए हैं। दुआ करो अल्लाह इन्हां दी उम्र च बरकत फरमाए ते मैं अलहमदुलिल्लाह सारा पढ़ पढ़ा के हुण इत्थे आ गया ते माशाल्लाह फिर अल्लाह ने स्टेज दी जीनत दुआ करो अल्लाह इन जी साडे स्टेज दी जीनत बना के रखे अल्लाह से। और मोहतरम जनाब जमात दे मामू जान मुनव्वर कालो साहब भी तशरीफ लै आए ने दुआ फरमाओ अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए तो जो है माशाल्लाह मैं जड़ी गल कर रहा कुरान पाक हज़रत जी अल्लाह पाक ने ना पूरी कायनात दा नक्शा एक आयत विच खिच दिता फरमाया ज़ुय्यन लिन्नास हुब्बु शहवाती इंसान ख्वाहिश करदा ये दुनिया मुज़य्यन लगती है खूबसूरत लगती है कुछ चीज़ों के नाल सब तो पहले बंदा ख्वाहिश करता है मिन्नत निसाई अल्लाह मैनू नेक बीवी अदा कर दे अल्लाह बीवी भी अदा कर देंदे ने फिर ख्वाहिश करदा वल बनी ना अल्लाह मैनू औलाद भी अदा कर दे अल्लाह औलाद दे बिना खाली खाली घर चंगा ते नहीं ना लगदा अल्लाह लोग भी ताने मारदे ने लगदा पता नहीं की मामला बे औलाद है मैं ते दुआ भी करांगा ते एक मसले दी वदात भी करांगा अल्लाह जेड़े बे औलाद ने नेक साले औलाद अदा कर दे अल्लाह जेड़े बेटियां तो तरसे ने अल्लाह उन्हां नूं बेटियां दा अता कर दे जेड़े बेटियां तो तरसे ने अल्लाह बेटियां अता कर दे वीर जी जे कोई बे औलाद होए ना ताना ना मारिया करके पता नहीं क्यों बे औलाद है औलादां देण ते कादर ते मेरा अल्लाह है औलाद लैणा ते देणा किसे दे वस दी बात नहीं जे ना मेरे वस दी बात है ना किसे वली दे ना किसे औलिया ना किया ना भी हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा खुदाए हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा खुदाए सजदा खराम लोगो बिन रब दे मसीबाए और बड़ा प्यारा जुमला नखनो अग रबोई लई मिन गबलिल वरी दे हाले भी लभदा सीढ़ी बंदा बड़ा अजीबे पल्ला दस गा उस तो वध के तेरे केड़ा करीबे दुखियां बीमार दाओ दुखियां बीमार दाओ कल्ला ई आसराए हाजत रवा खुदाए मुश्किल कुशा ओ सजाद चौके बोलो कौन है मिल के आवाज आए मिल के जिंदाबाद 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 गुलाम मुर्तजा वड़ैच रह गया है माशाल्लाह ये तो जो फादर जी ये भी नाल जरूरी है क्योंकि जी पसरूरी साहब गुलाम मुर्तजा वड़ैच तो बगैर मुकम्मल होते ही नहीं क्यों जी मुफ्ती साहब कहें जी गल गलत है ये नाल जरूरी है इतों जो फरमाया जी तरह ये जमें लफ्जे आम है ना तो मीम ने नाल अलिफ मद्दा ना है तो आम पूरा नहीं होंदा तो वो जो कर गल समझ आ जी तरह मैं गल दूर ना निकल जाए हजरत जी औलादा देने वाला इको अल्लाह है इको अल्लाह औलादा देने वाला है कि तिया देवे पोत
देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे उन्हों कौन पुछेगा। तिया पोतिया रोमोतियां अनमोल ने, सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। अज बंदे आ तो रब नाल नाता तोड़िया, जिन्हें तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अज बंदे आ तो रब नाल नाता तोड़िया, जिन्हें तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने, सारे इख्तियार साडे अल्लाह कोल ने। अदर जी बंदा ख्वाहिश कर दे अल्लाह वल बनी ना, अल्लाह मैनू औलाद अता कर दे। वल कना तीर मुकल तारा ती मैं नजा भी वल फिजा, अल्लाह मैनू खजाना अता कर दे, सोना ते चांदी अता कर दे। अल्लाह सोने वल खैल मुसवामा ती वल अनामी वल हरस, अल्लाह सोने मैनू खेती बाड़ी वास्ते जमीन अता कर दे। अल्लाह जी घर तई दुद्ध हो जाए ना, मझां ते गावां भी अता कर दे। ओ भी रबां दा ते फेरां दा अल्लाह हुण मसरूफियात वध गईआं ने, अल्लाह हुण मैनू सफर करना पैंदा, अल्लाह जी ससुराल भी जाना पैंदा ते होर मामलात भी करने पैंदे ने। अल्लाह गड्डी भी अता कर दे, अल्लाह गड्डी भी अता कर दित्ती है ते नाल फरमाया ज़ालिका मताउल हयात दुनिया। ओए बंदिया इस जिंदगी गुजारन दा थोड़ा जिहा समान मैं तेनू दिता है। वेखी कितें ना गड्डियां पिछे लग के, वेखी कितें ना मकाना ते कोठियां बंगले ते कारां दे विच आ के, अपने बीवी बच्चियां दी मसरूफियात विच आ के। मैं रब नू भुल ना जाई, वल्लाहु हुस्नुल मआब। आखर अल्लाह पाक वाली लौट के आना है, आखर अल्लाह पाक सामने सर झुकाना है, आखर अल्लाह पाक सामने एक दिन खड़िया होना पैना है। हज़र जी अल्लाह पाक ने काए तंदरी सारी कायनात दा नक्शा खिंच दिता। आओ ना कुरान पाक दे कौन मुकाम पढ़िए दरा, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन दाइकतुल मौत व इन्नमा तुवफ्फौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। فَمَن زُغْدِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ। फरमाया कायनात दे लोगो, हर एक नफस नू मौत दा पैगाम की रहेगा, हर बंदे नू मौत दा दायका चखना पेगा। अज नहीं ते कल मौत दा पैगाम की रहेगा। हज़र जी आखर तेरी ते मेरी औकात सी अबे ये, हज़र जी ते कुछ सदा ते नहीं ना रहना यो, सदा ते ते कोई नहीं ना रहना या ते ना ही कोई रहेगा। सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बगारा, सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बगारा, सदा न मापियो हुस्न जवानी, सदा न सोबत यारा। अगर जी ते सदा तेरी न रहना आया, तेरी ते मेरी औकात ते की है, तेरी ते मेरी गसीयत ते की है। मिट्टी तेरी जिंदगी बंदिया, मिट्टी मौत दा गहना, मिट्टी तेरी जिंदगी बंदिया, मिट्टी मौत दा गहना। मिट्टी तो अनमोल पावे, मिट्टी मोल नहीं पैना। आखर मिट्टियों मिट्टी हो के मिट्टी दे विच पैना। अज मट्टियां नहीं ना लगन देंदा, अज अपने जिसम दे गतिन का भी नहीं ना गिरन देंदा। हज़र जी अज कीड़े जदों उड़दे फिरदे सन, मैं देख रहा सा सारे बंदे अपने अपने जिसम तो ना कीड़िया नू उड़ा रहे ने। यार सोच जदों कब्र अंदर सकतां ते ताकतां मुक जाणगियां, उदों कीड़िया तेरा जिसम खा जाण, कब्र च कल्लिया होण, कोई ते
तेरे नाल नहीं गोएगा। सोचो कबर जो कदी याद ते करिया कर नवीरा नौजवान कबर वाल भी वेखिया कर मट्टी की ढेरी वाल भी वेखिया कर मट्टी दे ढेर वो चेरे ने ए थले वसते केड़े ने कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने उजड़ के आंदा बसेरा ए मेरे वीर मुसाफर सोच दरा इस जग दा ई कोई फेरा ए ओए तो नजर बचा के टुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा आए हदर जी मुखबता मुक जानिया ने प्यार मुक जाना है यारियां रिश्तेदारियां टुट जानिया ने ओए नहींओ रहना यार प्यारिया ने ओए नहींओ रहना यार प्यारिया ने टह जाना ही मैल चुबारिया ने ओए इत्थे कमले वांग बसेरा ए ना कुछ तेरा ए ना मेरा ए ओ दिन रात मेहनत करके कोठियां बनाण वाले दिन रात मेरी मेरी पैसा पैसा पैसे दी खबस अंदर जिंदगी गुजारण वाले दुनिया बिना कुछ तेरा ही ना कुछ मेरा ही कुछ भी तेरे नाल नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहना तू कोठियां ना बनाओ मैं ये नहीं कहना तू बंगले ना बनाओ मैं ये नहीं कहना तू अच्छी गड्डी ना बनाओ अच्छे कपड़े ना बनाओ मैं कहना सब कुछ बना कोठी भी बना लेकिन जन्नत अंदर मकान ते कोठी कौन बनाएगा। मैं ये नहीं कहना तू अपने रूम दे अंदर एसी ना लगवाओ लेकिन कब्रिस्तान दे अंदर तेरी कब्र च एसी कौन लगाएगा तेरी कब्र नूं ठंडिया कौन करेगा। यार कुछ आखरत दा भी समान कर वीरा ओए वीरा कर इस दुनिया नूं छोड़ करके चला जाना है ओए नहीं रहना यार प्यारिया ने टह जाना ही मैल चुबारिया ने इत्थे कमले वांग बसेरा ए ना कुछ तेरा ए ना मेरा ए इत्थों नजर बचा के टुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा आए ओए नौजवान अपनी आखरां दा फिकर कर पैसे थोड़े भी कमाएगा कम चल जाएगा नेकियां कमाण दा सोचिया कर शाम नूं आके हिसाब करना अज हजार कमाया है अज दस हजार कमाया है अज लख दा बिजनेस कीता है यार रात नूं सोण लगा सोचिया कर अज नेकियां किन्नियां कमाईयां ने अज नमाज किन्नी जमात नाल अदा कीती है अज मैं शराब बड़ी है कि नहीं बड़ी अज कुरान दे किन्ने सिपारे या किन्ने राग में तिलावत कीते ने नौजवाना नेकियां बना दुनिया दे रह के बस नेकियां दी फिकर च लग जा क्योंकि तेरा दुनिया ते आण दा मकसद नेकियां बनाना है। कुरान कह रिहा है कुरान अल्लाह पाक दा कुरान फरमाया अल्लाह दी खालकल मौता मैं अल्लाह दी रहमत नाल मेरा एक मिजाज है मैं जितनी याद कुरान पाक दियां पढ़ना ओदी तर्जमा तफसीर जरूर बयान करदा ए नहीं के पढ़ी जावां बयान ओदा तर्जमा कुछ भी ना करां। दरजी अल्लाह दी खालकल मौता मौत नूं पैदा करन वाला अल्लाह अल्लाह जी फरमा रहे ने मौत नूं मैं अल्लाह ने पैदा कीता है पहले मौत दा जिक्र कीता है अल्लाह जी वजह की है फरमाया जिंदगी गुजारन तो पहले मौत नु याद रख के जिंदगी गुजार अपना मरना याद रख के जिंदगी गुजार अपनी कब्र नु याद रख के जिंदगी गुजार मरना याद होए ना बंदा गुनाह नहीं जे करदा बंदा जिना नहीं जे करदा बंदा जुल्मो ते आतियां नहीं जे करदा बंदा तेज तरारियां ते फनकारियां नहीं जे करदा बंदा धोखेबाजियां नहीं जे करदा बंदा
ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜ਼ਿਆਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਖ ਜ਼ਿਰੂ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਕਾ ਦੀ ਮਿਲਤ ਜ਼ਾਤਿਲ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੌਤ ਲਜ਼ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਮੌਤ ਮਾਣ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਮੌਤ ਮਸਰੂਫੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਮੌਤ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਆਏ, ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬੜਾ ਖੰਡਾ ਲਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਪੜਨ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਫ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਸਰੂਫੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਐ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਲਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਮੌਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਸੀਬੂ ਅਨਫੁਸਾ ਗੁਮ ਕਬਲਾਨ ਤੁਹਾ ਸਬੂ, ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਧਰਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਮੁਆਦਨਾ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਧਰਾਂ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏ। ਯਾਰ ਕਾਦੀਆ ਕਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਬਰ ਦੀ ਡੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਉਹ ਮੱਟੀ ਦੀ ਡੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਉਹ ਮੱਟੀ ਦੀ ਡੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਆਖਰ ਮੱਟੀ ਦੀ ਡੇਰੀ ਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆਖਰ ਉਹ ਕਬਰ ਦੀ ਡੇਰੀ ਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਦੱਬਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਆਖਰਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਦੀਨਾ ਆਮਨੂ ਤਕੁੱਲਾਹਾ ਵਲ ਤਨਦੁਰ ਨਫਸੁਮ ਮਾ ਕਦਮਤ ਲਿਗਾਦੀਨ ਵਤਕੁੱਲਾਹ ਇਨਲਲਾਹ ਖਬੀਰੁਮ ਬਿਮਾ ਤਅਮਲੂਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਰਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਬਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਿਆਂ ਗੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਵਸੀਹ ਦਰਫੀਆਂ ਤਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਕਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਕਬ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਏ
سورہ خشر پڑھ رہے آجے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے ہو اللہ پاک تو ڈر جاؤ تے اپنے گریبان اندر نظر دوڑاؤ حضرت جی پہلے نا میں موت دی حقیقت نو بیان کیتا ہے ہن میں بیان کر رہا ہوں کہ مرنا یاد رکھ کے تے اپنی قبر دا وی فکر کر اپنی آخرت دا وی فکر کر حضرت جی قرآن کڈے سونے طریقے نال سمجھا رہا ہے یا ایو غلدین آمنو تک اللہ ول تن دور اے ایمان والے ہو اللہ پاک تو ڈر جاؤ تے اپنے گربان دے نظر تھوڑاؤ نفس ما قدمت لگاد اپنی قبر واسطے کی تیاری کیتی نوجوانا یار خدا تا واسطہ دے کے کواں گا ایک وار دنیا دی دل دل چو نکل دراؤ زین ذرا اپنا میرے وال لے گیا تصورات دی دنیا چانا ذرا اپنے جسم تے نظر دوڑا اپنے مادی تے نظر دوڑا میرے کہن تے نہیں قرآن دے کہن تے نظر دوڑا وال تن دور نظر دوڑا نفس ما قدمت لگاد اپنی قبر واسطے کی کیتا ہے اپنے حشر واسطے کی کیتا ہے اپنی کل واسطے کی کیتا ہے کل قیامت نو اللہ پاک سامنے جا کے کھڑیاں ہونا ہے تے کیڑی تیاری نال جا رہے ہیں کی تیار کر کے جا رہے ہیں کنیاں کو نیکیاں لے کے جا رہے ہیں کنیاں تہجداں لے کے جا رہے ہیں کنیاں پنج وقت دیاں بعد جماعت نمازاں لے کے جا رہے ہیں اوئے کنیاں اشراقاں لے کے جا رہے ہیں کنے نفل و نوافل تے کنی جڑا صدقات و خیرات لے کے جا رہے ہیں نفس نا قدمت لگاد اپنی آخرت دا فکر کر کل واسطے کی کیتا ہے اپنی قبر واسطے کی کیتا ہے اپنے حشر واسطے کی کیتا ہے حضرت جی اپنی آخرت دا فکر کرو قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں اللہ پاک تو ڈر جاؤ تے اپنی آخرت دا فکر کر لو اللہ پاک تو ڈر جاؤ میں تے تھوڑا جہا ٹچ دواں گا اج دا نوجوان جڑا اپنے باپ تو ڈردا ہے لیکن اللہ پاک کولوں نہیں ڈردا اپنی ماں تو ڈردا ہے لیکن اللہ پاک کولوں نہیں ڈردا دنیا والیاں کو ڈردا ہے لیکن اللہ پاک کولوں نہیں ڈردا اج دا نوجوان اپنے بوس تو ڈردا ہے اپنے پرنسپل تو ڈردا ہے اپنے مینیجر تو ڈردا ہے لیکن اللہ پاک کولوں نہیں ڈردا وکھے جی کیمرے دی اکھ تو ڈردا ہے لیکن اللہ پاک کولوں نہیں ڈردا حال لکھیا نا کہ کیمرے دی اکھ ویکھ رہی ہے گناہ نہیں کردا زنا نہیں کردا کوئی غلط کام نہیں کردا ادے جی کدی قرآن نہیں پڑھیا کر فرمایا واللہ بصیر بالعباد اللہ ہر ٹائم اپنے بندے نو ویکھ رہے نے فرمایا بندہ انہ علیم بذات صدور اللہ ویکھ ہی نہیں رہے بلکہ اللہ پاک دے دل چ پیدا ہون والے خیالات نو بھی جام دے نے حضرت جی کی تیرے دل چ خیال پیدا ہوندا ہے اپنے دلاں نو گندے خیالات تو پاک رکھیا کر اپنے دماغ نو گندی سوچ تو پاک رکھیا کر اللہ تیرا مستقبل پاک کر دے گا اللہ تیری کمر تے غشن نو پاک کر دے گا میں جمعات کر رہا ہوں حضرت جی کیمرے دی اکھ تو ڈر دے ہیں لیکن اللہ پاک کو نہیں ڈر دا اے تے بڑے سمجھدار باشعور تے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے نے میں کہوانا کہ اپنی ماں سامنے گناہ کر اگو کہے گا خاف جی گناہ کار ضرور ہاں لیکن بے غیرت نہیں ہاں ماں سامنے کیویں گناہ کر سکنا وا ماں سامنے کیویں گناہ کرا باپ سامنے کیویں گناہ کرا نوجوان ماں دا خیال کرنا رب دا خیال کیوں نہیں کردا باپ دا خیال کرنا رب دا خیال کیوں نہیں کردا اینا دنیا والیاں تو ڈرنا تے اللہ پاک کولوں کیوں نہیں ڈردا ڈر جا اللہ پاک کولوں وی اینا بطش ربی کا شدید اللہ پاک دی پکڑ بڑی سخت ہے جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا پھر کوئی چھڑا نہیں ہو سکدا او دی پکڑ اندر
फिरौन आया ते गर्को किबर दा निशान बन गया, करून आया ते माल समेत जमीन जदन सा दिता गया तीबर दा निशान बन गया, नमरूद आया ते सिर चला पाक ने जुतियां पवा के जलील कर दिता इबर दा निशान बन गया। डर जाओ दी पकड़ तो डर जा हजरत जी ओ टाइम नहीं उलांदा किल कल याम नो दा भी लोगा बैन नास ओ इन जी काया पलट के रख देंदा है ओ इन जी पास पलट के रख देंदा है ओ टाइम नहीं जे लांदा ओनु कौन पूछे इंज नहीं दे जकार क्योंकि ओ रब ते अपनी मर्दियां वाला है के है ओ अपनी मर्दी वाला ते जो चाहे सो करदा एक कला ते बाज शरीकों ते है सुल्तान अमरदा ते बात शाहानो हद तक तो सुटे पल विच करे वेराना आजिज़ां दे मस्कीना ताई ते देवे तख्त शगाना होली बोलो बार पसरूई साहब ना सुन लैन किते होली बोलो पढ़ो सुभान अल्लाह थोड़ा जा होर होली बोलो थोड़ा जा इस तो होर होली बोलो मेनू लगता है बैक गेयर लगा पिया पढ़ो दरा मिल गए कवार सुभान अल्लाह हजरत जी उन्हें कोई पूछने वाला नहीं डर जाना पाक आखन का फिक्र करिया कर एक मिसाल जिक्र करांगा तो हजरत जी अपनी बात का इख्तिताम करांगा हद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बहुत प्यारे सहाबी ने हजरत माइद बिन मालिक रजी अल्लाह तआला हजरत जी मैं गल कर लगा आखन का फिक्र लग जाए ना तो बंदा इंज बन जाता है फिर इंज फिक्र लग जा ने हजरत माइद बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन आए न मुस्तफा दी मजलिस दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा ए मदीन मस्जिद नबी अंदर तशरीफ फरमाने दुआ करो अल्लाह सब नु उत्थों दी हाजरी नसीब फरमा दे। मुफ्ती साहब हज दा मौका है फ्लैटां उड़ रहियां ने दुआ करो अल्लाह सानू भी बैतुल्लाह दा हज नसीब फरमा दे। असल असीं हज नु वैसे ही भुल गए हां अगे लोगों ना एक तड़प होया करदी सी जज्बा ये फर्ज है अल्लाह के बंदे अल्लाह पाक ने अगर तौफीक दी है असी रुकन है इस्लाम का असी भुल गए हाँ सानू पता ही नहीं मुस्तफा अली तू कभी हज वास्ते दुआ की नमाज पढ़ के कभी तू कोई कमेटी पाई हो यार मैं कमेटी पौना निकलेगी तो हज करांगा यार किस्मत नाल नसीब होंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा नीयत कर लैंदा है कोशिश भी करता है दुआ भी करता है जे उन्हों बैतुल्लाह आना नसीब नहीं हुंदा अल्लाह उहदी नीयत दी वजह तो उन्हों हज दा सवाब अता कर देंदा है। एक और बड़ी प्यारी हदीस सुनावा हदीस बड़ी भारी है सुना दे सुना दे चुक लो गे ना पढ़ो हंदरा सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा दीन सीखण दी नीयत नाल मस्जिद आउंदा है की सीखण तुसीं की सीखण आए हो दीन सीखण दी नीयत नाल मस्जिद आउंदा है अल्लाह उहनूं भी एक कबूल हज दा सवाब अता कर देंदा है। कहदरा जी इत दुआ करिए इत तेरा गल इख्तिताम की तरफ लैके जाइए दुआ गर साल गए मेरी के मैं मौला दे कर जावा वो मिल के पढ़ो आमीन माशाल्लाह कायदे बड़े दोस्त बाप दूर दराज तो मैं चेहरे नजर आ रहे ने अल्लाह पाक साहब की आमद कमोल फरमाए हजरत जी मैं जी गल कर रहा दुआ है ना कोई खात नीचे ना आए सजा तो चुप
के तुसी इंज करके अल्लाह पाक सामने झुक के कहना आमीन। अल्लाह कबूल कर ले ते की पता किदे मुंह च निकली आमीन कबूल अल्लाह पाक कर लैन ते तेनू ते मेनू हज दी अल्लाह पाक सादत नसीब फरमा देन। बड़ी तवज्जो तलबा दे अल्लाह अकबर। तो जो फरमाओ भाई तो जो फरमाओ ओ आप ही अग संभाल लेंदे ने तुसी इधरला काम संभाल। तो जो मैं जड़ी गल कर रहा तू आखर साल है मेरी के मैं मौला दे कर जावा। मिलके पढ़ो आमीन अकबर कंबीर कंबीर जारी रखी तो जो फरमाओ जरा तो जो है माशाल्लाह एक बारी पढ़ो जरा सुभान अल्लाह एक बारी मिलके पढ़ो आमीन। अल्लाह सारे नु बैतुल्लाह दे हज दी हज नसीब फरमा। अल्लाह बैतुल्लाह दी ज़ियारतां नसीब फरमा। अल्लाह सोनिया रोजा रसूल दी हाजरी नसीब फरमा। दो जो फरमाओ जरा दुआ कर साल है मेरी के मैं मौला दे कर जावा। मेरे दिल दी ए खसरत है मैं हज काबे दा कर आवा। हूँ आवाज जरा मठी कटेगा फिर मैं आप ही उन्होंने संभालांगा। ए ना करो आवाज आए मैं भी बगैर स्पीकर तो कर रहा हूँ। मेरे के आवाज है बड़ा प्यारा जुमला मेरे दिल दिया आसाने ते जम जम दिया पे आसाने पिला दे सा की जाम उस दे पिला दे सा की जाम उस दे मैं पी पी के ते ठर जा आगर सा लग मेरी के मैं मौला दे कर जावा। कैदर जी लाइट भी आ जाए इतने बाबा जी शमशामा को रहमतुल्लाह अलैह यार पखे चली आंदे ने स्पीकर चलाओ पखा भावे बंद करो। बड़ी प्यारी बात कोई उम्मीद है अजे अच्छा फिर ठीक तू जो करो दरादरा जी बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह ने भी बड़ी प्यारी गल की थी। पढ़ा शेर जे को पढ़ो सुभान अल्लाह पढ़ना एक सी लैट गई है मैं एक और पढ़ देना क्योंकि तुसी बाबा आ रहे लगे पढ़ो जरा सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी गल कर देना ने रब्बा रोशन कर साडे सीने नु कहो आमीन। रब्बा रोशन कर साडे सीने नु ते सानू ले चल मक्के मदीने नु दुआ प्या करना अल्लाह रब्बा रोशन कर साडे सीने नू सानू ले चल मक्के मदीने नू। अल्लाह रमजान दा पाक महीना होवे पहला मक्का दे फेर मदीना होवे ओते वेखा मैं तेरी रहमत दे खजीने नू रब्बा रोशन कर साडे सीने नू सानू ले चल मक्के मदीने नू। बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह बाग नाल गल्लां पे करदे ने ते मेरा दिल करदा उन्हां दे अंदाज च पढ़ा। बड़ा मुश्किल काम जे लेकिन पढ़वा मिल के सुभान अल्लाह इंज कहीं धरा अल्लाह मुद्दत होइया सिकदियां नूं जोगी सांग बनान नूं जी करदा। अल्लाह मुद्दत होइया सिकदियां नूं जोगी सांग बनान नू जी करदा। अल्लाह तेरे घर दे दवाले नस नस के हुण फेरियां पान नू जी करदा। अल्लाह तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां
तेरे दर विच रख रख सर्वे काम। अल्लाह जिते गनमाज दी लख बन दी उते उम्र लगान नू जी करदा। अल्लाह दुनिया दी नसीब फरमाओ हजरत माइद बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला नाय तो जो फरमाओ जरा मैं जी गल कर रहा हूँ हजरत माइद बिन अल मालिक आए मुस्तफा अली सलाम दी मजलिस आके नम दो जानू आके मुअद्दब होके बैठ गए ते कहन लगे ने आका जी मेरे को मैं गुनाह कर बैठा वा मैं ज़िना कर बैठा वा ते मैनू पाक कर दियो। मेरे आका खामोश ने चल उठ के जाएगा मुआफी मंगेगा ते मेरा अल्लाह मुआफ कर देगा। हजरत जी से आफिए रसूल बैठा रहा आका नहीं बोले तो मेरा इसे आप ही उठ के चला गया। दूसरी बार आए आके अर्दा कर दे अल्लाह नबी जी गुनाह हो गया है मेनू पाक कर दियो अल्लाह पाक को माफी ले दियो मेरे को गुनाह हो गया है अल्लाह पाक लो माफियां ले दियो। मेरे आका खामोश ने ते से आफी उठ के फिर चला गया। तीसरी बार फिर आ गया है ते जारो की तारों लग पिया है मरहबा माशाल्लाह हजरत मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब नारे तकबीर शान मुस्तफा मुकामे मुस्तफा हजरत मौलाना शेर पंजाब यूसुफ पसरूरी साहब शेर पंजाब यूसुफ पसरूरी साहब हजरत जी मैं जड़ी गल कर रहा तीसरी बार आए ने माइद बिन मालिक आके दारो की दारों लग पया का जी मेरे को गुनाह हो गया है आख्या जी ना कुछ खान दे दिल कर दे ते ना नींद आ रही है। हजरत जी हजरत माइद बिन मालिक की नजर असल में कबर ते वे असल में खशर ते वे हजरत माइद कह रहे ने आख्या जी अल्लाह पाक को माफियां ले दियो अल्लाह पाक को माफी ले दियो। दे हजरत माइद ना रसी अल्लाह ताला नो बार बार कह रहे थे आका पाक ने पूछे माइद होशो गवास ते कायम ने ना जी आका जी होशो गवास कायम ने मैनू अल्लाह पाक को माफी ले दियो। हजरत माइद बिन मालिक रसी अल्लाह ताला नो इन करके सहाबी लेके गए ने जाके रजम कर दिता गया है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों वेख्या है सहाबी तो मौत वाके हो गई है। हजरत जी आखर ता फिकर लग गया एक गुनाह होए ते मुजरम आप ही चल के अदालत मुस्तफा में जा गया है ना वकील की जरूरत पई है ना जज की जरूरत पई है ना गवाह लभने पेने ते ना अदालत लगानियां पईयां ने। हजरत जी क्योंकि इनू नजर आ रही है अदालत रब्बुल आलमीन दी इनू नजर आ रही है कबर दी अदालत जिथे सवाल जवाब कीते जाणगे आप ही मुजरम चल के अदालत मुस्तफा दे अंदर आ गया है रजम कर दिता गया। मेरे आका पाक दे लबां ते मुस्कुराहट दे अखां चों आंसू आ रहे ने सहाबा पुछिया आका जी की गल है फरमाया सहाबियो मैनू अपने सहाबी दी जुदाई दा गम भी लगा है लेकिन सहाबियो जिन्हें जन्नती वेखना है माइज़ नूं वेख लवो माइज़ दुनिया तो जा रहा है ते जन्नत दा सर्टिफिकेट लैके जा रहा है। अगर जी रहना दुई दे मैं भी नहीं लेकिन मजा पे में ना यार कादी जिंदगी इधर मलकुल मौत आए ते मलकुल मौत करीब आके बैठ जाए ते मलकुल मौत आके ओए बदबख्ता ओए गुनागारा ओए गलीजा न पाका अपनी रूह आपे निकाल के मेरे वाल फेंक दे मैं तेरी रूह नहीं निकाल सकदा तेरे चो बड़ी बदबू आ रही है मजा पे वे ना तेरी रूह जदों जदों फरिश्ता चढ़ा मलकुल मौत आए ते अल्लाह पाक अरशद ऐलान फरमा देन या अय्या तुगन्नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राजियतम मरजिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती
मजा देवेनो आसमान तो ऐलान हो जाए सलाम अलैकुम किब तुम फदखुलूगा खालिदी। हजरत जी आखरन दा फिकर कर नौजवाना मान खानू कर नाए आखरी पैगाम दो शार दे अंदर ते मेरी बात मुकम्मल है मान खानू कर नाए हुसन दे जवानी दा जिंदगी तेरी जिवे बुलबुलाए पानी दा ए सामान जो तेरियां ए भी नहीं तेरियां कबर नोड़ी का रोज रिमदियां तेरियां मौत रोद तेरे कर मार दिए फेरिया आखरी शार्त मेरा पैगाम जी पूरे मौजूदा नचाण जिस शार अंदर कल्ला इथे आया है कल्ला इथो जाना कल्ला इथे आया है कल्ला इथे जाना तिया पुता तेरे आना कम तेरे आना जिन्ना लई तू दिन राती करे खेरा फेरिया कबर नोड़ी का रोज रेंदियां तेरियां मौत रोज तेरे घर मार दिए फेरिया। आखर इंसान दुनिया ते आया ते आखरत की तैयारी वास्ते आया अपनी आखरत की तैयारी करो मौत नू याद रखो पैसा कमान च नहीं नेकियां कमान च जिंदगी लगाओ अल्लाह पाक को दुआए अल्लाह पाक सानू आखरत का फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।